गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो हम 8:30 बजे नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं ये रहा पराठा है और सॉस है और अंडा है। पराठा ये इसके अंदर है, अंडा ये रहा पराठा। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया। चाय नहीं है, विदाउट चाय आज चाय खत्म हो गई, तो मुझे यही खाना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या, और मेरे रिश्तेदार देखो कितने सारे हैं। ये देखो समीर क्या खा गया, चटनी छोच खाएगा। छोच क्या खाते हैं, दिखाओ दिखाओ। ये देखो समीर चटनी खा रहा है। ओ ये ओ देखो खिला रहा है किसी को, आप खाओ। ओ सो यमी मजा आ गया। चम्मी ने मुझे भी खिलाया। मामा को खिलाओ, तुझे खिलाओ। यम्मी। देखो चम्मी ने मेरे को चोच खिलाया, मुझे भी खिलाया। तो आप लोग भी अपने बच्चे के साथ खुशी से नाश्ता कीजिए। तो हम लोग भी खाते हैं, आप लोग आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। जो अंडा खाते हैं वो लोग, और जो अंडा नहीं खाते उनके लिए नहीं। हो समीर सबको मुँह पे लगा रहा है, बहन के भी, ये देखो अलीना के भी। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, कल मेरे हाथ से सारे केले गिर के काले हो गए। ये देखो एक दर्जन केला मेरे हाथ से नीचे फर्श पे गिर गया और काला हो गया उसकी वजह से। तो बेटा देखो पढ़ाई कर रहा है, बेटे का एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो अभी बेटा फुल मन पढ़ाई पे दे दिया। अच्छे से पढ़ाई करो। और ये लोग लंच टाइम है, ये सुबह 2:30 परांठे खा लिए और अभी फ्रूट थोड़ा सा खा लेगा, तो दोपहर का लंच का टाइम हो जाएगा तो फिर लंच करेगा। अभी बेटे का एग्ज़ाम्स चल रहा है तो पढ़ाई कर रहा है और अच्छे से करना चाहिए। तो आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ करना ताकि अच्छे से पढ़ाई करे बच्चा, अच्छे अच्छे नंबर से पास करे। फ्रेंड ये एप्पल देख रहे हो, ये वाला एप्पल ये इसके लिए है, ये बीमार है तो डॉक्टर ने कहा फ्रूट खाने के लिए ले, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ये लो, थोड़ा थोड़ा। हाँ इसलिए एक बिग सा एप्पल फॉर मी, जितनी बिग मैं हूँ उससे भी बड़ा बिग एप्पल है। छोटा सा एप्पल नहीं, मैंने इसको वैसे टेस्ट करने के लिए दिया है कि मीठा है कि नहीं। अगर मीठा होगा तो एक और मिलेगा मुझे। हाँ मैं दूंगी एक, अगर तूने बोला कि मीठा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा, चीनी की तरह मीठा है ये। हाँ मीठा है, अब एक और बनता है। हाँ सच में ये बीमार है, इसको 3 दिन से बुखार चल रहा है और ये सीजन चल रहा है बुखार का। तो आप लोग अपने ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सब लोग बीमार हो रहे हैं मच्छर काटने से। जैसे भी हो मौसम चल रहा है ये सीज़न, तो मेरी सिस्टर बीमार है अभी, तो इसका ख्याल रखना है। सुबह से नाश्ता नहीं किया तो मेरे को तरस आ गया, देखे तो मैंने सोचा एक छोटा सा एप्पल दे देती हूँ, खा लेगी बेचारी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं, इसलिए बैठी हूँ कि मेरी बहन कुछ तो देगी मुझे, अभी नहीं 1 घंटे बाद ही से। हाँ देखो क्या बोल रही है, विश्वास था। हाँ एक्चुअली साजिद को दिया, समीर को दिया, साहिल को दिया, तो ये भी छोटी बच्ची है। एक देखो रोता रोता आ गया, पानी दे ना। मैं खाना बना रही, कुक कर रही, अभी कुक करती थी उसके बाद बातें करते हैं। आज निंदिया आ जा तू बेटे, क्यों सुला जा तू, पलकों में बसे जा बेटे को सुला जा, जब तक ना आएगा बेटा नहीं सोएगा, आके मेरे बेटे को तो सुला जा, सपनों में खो जा पलकों में बसे जा। फ्रेंड्स आज सुबह से ही समीर को बुखार है, दवाई दिया है तो सुबह थोड़ा ठीक हो गया, अभी 2 बजे से फिर दोबारा बुखार चढ़ गया है और अभी तक ठीक नहीं हुआ। शाम के 4 बज रहे हैं और सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा दूध पिलाया था, 2 बार उल्टी कर दिया समीर ने, बस मम्मा का ही दूध ले रहा है, सो भी नहीं रहा है, सुबह से ही रो रहा है, ना मेरी गोदी से उतर रहा है, चिड़चिड़ापन हो गया। तो अभी बस कोशिश कर रही है कि समीर सो जाए। और समीर को लोरी सुनने की बहुत ज़्यादा आदत है, समीर पोयम और लोरी बहुत पसंद है। जब भी समीर सोता है मैं उसको लोरी सुनाती हूँ, पोयम सुनाती हूँ, तभी समीर जाके सोता है।
बहुत ज़्यादा पसंद है समीर को। जब भी कोई पोएम किसी के मुंह से सुनता है तो चुप हो जाता है। तो समीर बस अभी सुला के समीर को थोड़ा सा कुछ खिचड़ी सा बनाऊंगी और खिलाने की कोशिश करूंगी। खा नहीं रहा है, उल्टी कर रहा है। तो शाम को समीर को ब्लड टेस्ट कराने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार बुखार चल ही रहा है, उतरा नहीं है अभी तक। कभी उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो अभी फाइनली लेके ही जाना पड़ेगा समीर को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। फ्रेंड्स, समीर बहुत दिन से रो रहा था तो मैंने उसको लोहड़ी गा के बहुत सुलाया है, क्योंकि समीर को सुबह से ही बुखार चल रहा है तो इस वजह से सो नहीं रहा था। अभी बहुत मुश्किल से समीर को सुलाया, और समीर को पोएम और लोहड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी बस सुलाया है। तो अभी इंतज़ार है उसके पापा का आने का। जब उसके पापा जी आएंगे तो हम भी उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि 3 दिन हो गया, 3 दिन से समीर को बुखार है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा अभी समीर का ब्लड टेस्ट करवाना है, तो हम लोग ब्लड टेस्ट करने के लिए जाएंगे। अभी बज रहा शाम के 4, तो बस 5:30 बजे तक समीर के पापा जी आ जाएंगे, उसके बाद हम ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे समीर की। अभी समीर आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, 2 बार दूध लिया था, दोनों बार ही उल्टी कर दिया। बस मम्मा का ही थोड़ा सा दूध पी रहा है समीर, और खिचड़ी बनाया था वो भी नहीं खाया है। बस दवाई दे रही हूँ समीर को, क्योंकि बुखार ठीक नहीं हो रहा है, कभी उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनली समीर का ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो बस मैं उनके आने से पहले तैयार होती हूँ, फिर समीर को हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। सबको बोलते बोलते मुझे ही बुखार आ गया। और देखो जिन दवाई लेके खड़े हैं, ये रहा दवाई हाथ में। आप लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि पकड़ो मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। कैसे लूँ पानी लो। आप लोग अपना ध्यान रखना। मेरी तबीयत सुबह से बुखार है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। पहले समीर की तबीयत ख़राब हो गई, साजिद के तो है ही, हर रोज़ दौड़े पड़ते, उसको आज 2 बार दौड़े पड़ चुका है, और सुबह से मुझे बुखार है। कमर में भी बहुत दर्द है, सर में तो दर्द के मारे सर फटा जा रहा है मेरा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ताकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम लोग कल मिलते हैं।